हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं जून 2022 के करंट अफेयर्स का अगला लेक्चर। दोस्तों, हम लोगों ने पॉलिटी और गवर्नेंस के सारे जो करंट अफेयर्स थे, इनको कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर के जरिए हम इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं आज के इस लेक्चर के जरिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रिलेटेड। WTO काफ़ी न्यूज़ में रहता है, समझते हैं क्यों न्यूज़ में रही। हाल ही में 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी WTO की, ठीक है। तो इसी वजह से टॉपिक न्यूज़ में आ गया था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें क्या क्या की टेक अवेज थे वो देख लीजिए। अ सीरीज ऑफ डील्स ऑन कंटेम्पररी इशूज वॉज अग्रीड टू अंडर द जेनेवा पैकेज। तो जेनेवा पैकेज के तहत जो भी कंटेम्पररी इशूज थे उसमें बहुत सारी डील्स बनी थी, ठीक है। पर्टिकुलर और फीचर्स देख लीजिए। कर्टेलिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज। तो यहाँ पे पहला क्या प्रोविजन करा गया, जो अभी ये मीटिंग हुई थी ना, ये कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इसमें इन लोगों ने कर्टेल करा है हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज ऑन इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग फॉर द नेक्स्ट 4 years। तो जो भी भाई अनरेगुलेटेड हैं, हार्मफुल हैं, उनको रेगुलेट करा गया अगले 4 साल के लिए। देख लीजिए क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। देर वुड बी नो लिमिटेशन ऑन सब्सिडीज ग्रांटेड और मेंटेन्ड बाय डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो दोस्तों, उनको लेकर कोई लिमिटेशन नहीं है। कौन सी कंट्रीज को लेकर? अगर कोई डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री सब्सिडी दे रही है तो उनको लेकर कोई लिमिटेशन नहीं है। फॉर फिशिंग विद इन देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर वो लोग अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में करें तो उनको लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल्सो टेक्निकल असिस्टेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू सच कंट्रीज थ्रू WTO फिशरीज फंडिंग मैकेनिज्म। बल्कि ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, इनको तो बल्कि WTO असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में क्या प्रावधान करा गया वो देख लीजिए। बाइंडिंग डिसीजन टू एग्जेम्प्ट फूड परचेस्ड बाय UN फूड प्रोग्राम फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस फॉर एनी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन टू एड्रेस फूड शॉर्टेज। तो इसको लेकर करा गया दोस्तों। आपको पता ना, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चल रही है यूक्रेन और रशिया की वजह से। ई कॉमर्स ट्रांसमिशन लाइक म्यूजिक, ई बुक, फिल्म्स, इसको लेकर क्या क्या प्रावधान करा गया देखिए। मेंबर्स जो हैं सारे के सारे एग्री हुए हैं कि दोस्तों ये लोग कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज ऑन द ई कॉमर्स ट्रांसमिशन अंटिल सब्सिक्वेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन अंटिल मार्च 2024, ठीक है। तो जब तक अगली कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाता तब तक दोस्तों कंटिन्यू करेंगे लॉ स्टैंडिंग मॉरेटोरियम को ही, ठीक है। अगला है COVID-19 वैक्सीन को लेकर देख लीजिए। टेम्परेरी वेवर दिया गया है फॉर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स अंडर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको शॉर्ट में ट्रिप्स कहा जाता है। तो ट्रिप्स के तहत इनको कुछ टेम्परेरी वेवर मिला है COVID-19 वैक्सीन को कंसर्निंग द यूज ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस टू प्रोड्यूस COVID-19 वैक्सीन फॉर 5 years। इसके अलावा सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी के लेकर क्या डिक्लेरेशन करी गई है। द डिक्लेरेशन कमिट्स WTO मेंबर्स टू लॉन्चिंग अ वर्क प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई न्यू चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ WTO's SPA एग्रीमेंट, ठीक है। मेजर एग्रीमेंट्स एट WTO को आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको समझ लेते हैं। WTO को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है, एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है किस चीज़ से रिलेटेड दोस्तों, ट्रेड से रिलेटेड। भाई कंट्रीज के बीच में जो भी रूल्स बनेंगे ट्रेड को लेकर, उन सब से डील करती है WTO। इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द WTO इज रन बाय 164 मेंबर्स, इसके मेंबर्स हैं, और ऑल डिसीजन टेकन थ्रू द कंसेंसस, सारे डिसीजन जो कंसेंसस के द्वारा लिए जाते हैं, और कोई भी मेंबर एक्सरसाइज कर सकता है वीटो। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर 5 मेंबर्स को वीटो नहीं दी गया है, कि हर मेंबर्स को वीटो दी गई है। इट इज सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको शॉर्ट में गैट कहा जाता है। गैट का ही सक्सेसर कौन है? WTO है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि WTO जो है किससे सक्सीड होकर बना, तो गैट से। अग्रुप और ये जो गैट है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1948 में, जब आज़ाद हुआ था भारत उससे 1 साल बाद। हुज रूल्स क्रिएटेड मॉडर्न मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे क्या मेजर एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं WTO में। देख लीजिए, पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें क्या है ये दोस्तों, एग्रीमेंट जो है स्पेसिफिक एंड बाइंडिंग कमिटमेंट्स मेड बाय WTO मेंबर्स। तो इसमें स्पेसिफिक और बाइंडिंग कमिटमेंट्स दिए जाते हैं हर WTO मेंबर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, इन 3 areas। कौन कौन से 3 areas में? मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सब्सिडाइजेशन फॉर इंप्रूविंग एग्रीकल्चर ट्रेड, ठीक है। अगला है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको ट्रिप्स कहा जाता है, अभी मैंने बताया था ट्रिप्स। ये क्या है? ये स्टिपुलेट करता है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड नेशनल ट्रीटमेंट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क,
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, ये तो आपको पता है ना, सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले हैं, एंड द रिक्वायर्स मेंबर्स कंट्रीज टू मेंटेन हाई लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो दोस्तों जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए ही ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन करा गया है। अगला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, ये देख लीजिए, ये एस्टेब्लिश करता है मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क को किस चीज के लिए, प्लानिंग के लिए, अडॉप्शन के लिए और इंप्लीमेंटेशन के लिए। क्या इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, यही एसपी क्या है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि मेजर करता है टू मिनिमाइज देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन द ट्रेड ड्यू टू आर्बिट्री एंड अनजस्टिफाइड यूज। अगला है एग्रीमेंट ऑन द टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, एम्स टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एनवायरमेंट रेगुलेशन फ्रॉम becoming unnecessary trade barriers by securing their transparency and harmonization with the international standard। आपको पता है कई लोग जो है क्या करते हैं, एनवायरमेंट का सहारा लेके ट्रेड को बाधित करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को चेक करना इसका काम है इस एग्रीमेंट का, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ये क्या है, ये बैन करता है दोज इन्वेस्टमेंट को मेजर को विच हैव डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन द ट्रेड इन गुड्स। तो भाई उनको क्या करता है, बैन करता है जिसकी वजह से ट्रेड जो गुड्स में होता है उस पे इफेक्ट डाल सकता है, तो उन मेजर्स को क्या करता है, बैन करता है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए फिर से, बैन दोज इन्वेस्टमेंट, उन इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली बैन करता है, इन्वेस्टमेंट बैन दोज इन्वेस्टमेंट मेजर्स हु हैव डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन ट्रेड एंड गुड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इंक्लूड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट विच रिक्वायर्स सर्टन कंपोनेंट्स बी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। अगला है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विस, जिसको शॉर्ट में गैट्स कहा जाता है, ये प्रोवाइड करता है जनरल ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग ट्रेड इन द सर्विसेज सच एज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये तो आपको पता ही होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में आपने काफी बार स्टडी कर रखा होगा। अब देख लेते हैं इम्प्लीकेशन क्या है भारत को लेकर, जो अभी अभी कॉन्फ्रेंस में जो जो प्रावधान लिए गए हैं ना, उस प्रावधान को लेकर भारत पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा। पहला है कर्टेलिंग ऑफ फिशरी सब्सिडी। Experts are of the view that although exemptions are provided, but for 4 years are not sufficient and would push small Indian fishers towards an uncertain future. अभी मैंने बताया ना, developing country और least developed countries के लिए 4 साल की छूट दे दी, लेकिन फिर भी 4 साल हमारे लिए enough नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। Also, there is no mention of special and differential treatment. तो भाई कोई इस conference में ना तो special और differential treatment का mention करा गया, given to the developing countries, और आपको पता ना जो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है, तो उसमें लेकर भी मेंशन नहीं है। इसके अलावा दूसरा कंसर्न भारत के लिए जुड़ा हुआ है, वो है एग्जेम्पशन फॉर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपको पता ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए एग्जेम्पशन करी गई है। अ ब्लैंकेट एग्जेम्पशन फॉर फूड एक्सपोर्ट्स कुड कंस्ट्रेन इट्स वर्क इन इंश्योरिंग डोमेस्टिक एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। ऑल्सो इंडियाज डिमांड टू सीक अ परमानेंट सॉल्यूशन इन ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, जिसको पीडीएस सिस्टम कहा जाता है, पीडीएस सिस्टम को लेकर आपको पता है डब्ल्यूटीओ बहुत ज्यादा भारत को क्रिटिसाइज करता रहता है, तो इसको लेकर भी दोस्तों कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला है डब्ल्यूटीओ ने, और फूड ग्रेन्स हैज बीन पुश्ड टू एमसी 13 इन द 2023। वेवर ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो वेवर दिया गया है, अभी मैंने बताया था ना ऑन कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर, इसको लेकर भी कंसर्न है भारत के। देख लीजिए क्या क्या कंसर्न है, द ट्रिप्स डिसीजन विल बूस्ट वैक्सीन इक्विटी एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड विल इनेबल ईज ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेटेंट वैक्सीन इन द इंडिया फॉर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट एज वेल एज एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली ये जो इन्होंने वेवर दिया है, इसकी मदद से भारत जो है वैक्सीन का प्रोडक्शन भी कर सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन करंट गवर्नमेंट इज वॉटर्ड डाउन वर्जन ऑफ ओरिजिनल प्रपोजल मेड बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन 2020 which demanded a broader intellectual property waiver on the vaccine as well as treatments and tests. तो ज़्यादा broader waiver मांगा था, लेकिन अभी जो waiver दिया ना WTO ने वो बहुत ही smaller है ना, जैसा demand करा था इंडिया और साउथ अफ्रीका ने वैसा इन्होंने waiver नहीं दिया, तो ये भी बहुत बड़ा concern है। E-commerce transaction देख लीजिए, India has asked WTO to review the extension of the moratorium on custom duties as developing countries including India faced the brunt of the financial consequences of such moratorium, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, extending duty free market access to the moratorium resulting in the loss of 100 billion per annum globally, सोचिए अगर हम दोस्तों क्या करेंगे, extend करेंगे duty free market को, तो इसकी वजह से होगा क्या, due to the moratorium resulted, जिसकी वजह से देखिए बहुत सारा financial loss होगा, और ऐसा loss हुआ भी था globally, देख लीजिए 10 billion का per annum हुआ था loss globally, 95% of which was borne by developing country, और ये जो loss है इसका 95% किसने borne करा, developing countries ने,
और ये डाटा किसने प्रेजेंट करा था? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसने डाटा प्रेजेंट करा था। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैड सॉट टू प्रिजर्व पॉलिसी स्पेस फॉर डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय लेटिंग देम जनरेट मोर रेवेन्यू फ्रॉम कस्टम्स, देयर बाय फैसिलिटेट मोर इन्वेस्टमेंट। चैलेंजेस कौन कौन से फेस करे जाते हैं WTO के द्वारा और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे चैलेंज लिखे हुए हैं, यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। पहला चैलेंज है इनएफेक्टिव अगेंस्ट चाइनाज पॉलिसी। तो ऐसा माना जाता है कि WTO जो है चाइना की पॉलिसीज के खिलाफ इनइफेक्टिव है, तो चाइना को ज़्यादा काउंटर नहीं कर पाता। देख लीजिए, द WTO हैज़ नॉट बीन एबल टू काउंटर चाइनाज टैरिफ मैनिपुलेशन एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आपको पता है चाइना जो है बहुत ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, इसके अलावा टैरिफ को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, जिसको WTO अच्छे से टारगेट नहीं कर पाता। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो WTO नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स एनफोर्समेंट कैपेसिटी, तो एनफोर्समेंट कैपेसिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। टू डील विद सच प्रैक्टिसेस टू बिकम क्रेडिबल ट्रेडिंग सिस्टम, ऑब्वियसली वरना फ्यूचर में कोई भी WTO को सीरियसली नहीं लेगा। अगला चैलेंज जो वो है चेंज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बदल गया है। देख लीजिए, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ये बहुत ही बड़ा लार्ज रोल जो है प्ले करती हैं इन ट्रेडिंग रिजिम इन करंट एरा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ WTO नीड्स टू बी रिवाइज टू कंसीडर दिस चेंज इकोनॉमिक बैलेंस। ऑब्वियसली अब ये वो जमाना नहीं रहा जब पहले सिर्फ और सिर्फ USA डोमिनेट करता था, अब नए प्लेयर भी निकल के आ रहे हैं, चाइना, इंडिया, डिफरेंट साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सारे नए प्लेयर निकल के आ रहे हैं। तो WTO को उसी के अनुसार नया फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। डिसफंक्शनल WTO अपीलेट बॉडी, बहुत सारी ऐसी अपीलेट बॉडी हैं WTO की जो कि डिसफंक्शन है, काम ही नहीं कर रही। देख लीजिए, द US हैज सिस्टमेटिकली ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू अपीलेट बॉडी मेंबर्स विच इट बिलीव्स हैज रिजल्टेड इन अनफेवरेबल रूलिंग फॉर द US इन इट्स ट्रेड डिस्प्यूट। तो ऑब्वियसली WTO के हेडक्वार्टर आपको USA में मिलेंगे, तो USA ने बहुत सारी जो पोस्टिंग्स हैं वो रोक रखी हैं, क्योंकि USA का मानना है कि WTO ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि USA की इकोनॉमी के खिलाफ थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कंसर्टेड एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू मेक अपेलेट बॉडी फंक्शनल एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ऑपरेशनल। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ मेजर लेने की जरूरत है ताकि जो भी अपेलेट बॉडी है वो फंक्शन कर सके। अगला चैलेंज है वो है लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देख लीजिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज थ्रू कंसेंसस। आपको पता है WTO में जो भी डिसीजन बनते हैं वो कंसेंसस की मदद से होते हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली जब आप सभी का कंसेंसस लोगे तो लॉन्ग टाइम लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कम इन द वे ऑफ रीचिंग कंसेंसस। और काफ़ी बार आपको पता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और ये सारी आइडियोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेके चली जाती हैं, जिसकी वजह से कंसेंसस पे पहुंच ही नहीं पाते। तो सॉल्यूशन हो सकता है मेंबर कंट्रीज नीड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस टू अराइव अ कॉमन ग्राउंड। तो ये सॉल्यूशन लिख सकते हो। अगला है लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है WTO में, इंक्लूसिवनेस नहीं है। देख लीजिए, विद एन इंक्रीजिंगली ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एक्सक्लूजन ऑफ सम कंट्रीज मेक्स इट लेस इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई बहुत सारी कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से WTO जो है एक तरीके से बोल सकते हो क्या है, लेस इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। कंट्रीज जैसे कि ईरान, इराक, लेबनन, उज्बेकिस्तान, इन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा अभी तक WTO को। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है एफर्ट्स नीड टू बी मेड एट मेकिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन फुली रिप्रेजेंटेटिव। तो सारे देशों को शामिल करो। अगला चैलेंज है मूव टूवर्ड्स बायलेटरल रीजनल प्लूरिलेटरल ट्रेड रेजिमेंट्स। देख लीजिए, सिंस द पेस ऑफ नेगोशिएशन इन WTO हैज बीन स्लोइंग, कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली मूविंग टूवर्ड्स अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग रेजिम जैसे कि रेसेप। आपको पता ना ऐसा काफ़ी लोग देख रहे हैं कि WTO जो है ट्रेडिंग को लेकर कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो नए नए ब्लॉक बनते जा रहे हैं। RCEP का आपको पता ना इंडिया पार्ट नहीं है। रूल्स एंड, तो हमको वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो कि हम लोगों को रूल्स बनाने चाहिए, प्रोसीजर बनाने चाहिए WTO को लेकर। टू नीड टू इवॉल्व टू रिमेन रेलिवेंट एंड एमर्जिंग सिनेरियो। तो ऑब्वियसली भाई समय बदल रहा है, उसी के अनुसार WTO के रूल्स वगैरह भी बदलने चाहिए ताकि WTO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेलिवेंट रहे। अगला इफेक्ट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है WTO को लेकर। देख लीजिए, COVID-19 पेंडेमिक हैज फोर्स्ड कंट्रीज टू इम्पोज कंप्रेहेंसिव एक्सपोर्ट बैन। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रीज ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दी थी एंड रेस्ट्रिक्शन रिजल्टिंग इन डिसरप्शन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था तो ग्लोबल सप्लाई जो चेन थी उनमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आ गया था। देर इज पोटेंशियल फॉर मोर ट्रेड डिस्प्यूट्स टू अराइज इन द फ्यूचर। तो इसमें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो स्ट्रेंथनिंग WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आर है ताकि इमरजिंग सिचुएशन है इनसे डील किया जा सके। अगला टॉपिक है वो है इंटर
सॉरी ऑल्टरनेटिव्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको पता है ना चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, तो उसी का अभी ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया। देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स एम्स टू रेस 200 बिलियन ओवर 5 ईयर्स। तो यूएसए ने तय करा कि हम लोग जो है 200 बिलियन डॉलर जो है इकट्ठा करेंगे अगले 5 सालों में। और ये डॉलर पैसे इकट्ठे क्यों करेंगे, ताकि जो गरीब देश हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनको ये पैसा लैंड कर सकें। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जो पुअर कंट्रीज हैं वो चाइना से पैसा उठाती हैं, और वो जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका ज़बरदस्ती हिस्सा बनना पड़ता है। देख लीजिए, 5 ईयर्स टू फंड नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज अंडर द G7 इनिशिएटिव। और याद रखिए, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है 200 बिलियन पैसा इकट्ठा करने का, ये G7 की मीटिंग हुई थी उसी के तहत लिया गया था। और इसका एम सिंपल है, चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को काउंटर करना। अब इसके बारे में और समझ लेते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग G7 पार्टनर्स एंड प्राइवेट कैपिटल एम्स एट हिट 1600 बिलियन। तो सभी को मिला के, प्राइवेट कैपिटल वगैरह को भी मिला के, ये सोच रहे हैं 600 बिलियन पैसा इकट्ठा करें नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो टोटल इतना है। अनाउंसमेंट इज एन ऑफिशियल लॉन्च एंड रीब्रांडिंग ऑफ व्हाट हैड बीन रोल्ड आउट लास्ट ईयर एट G7 इन द UK एज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड किस ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से इनिशिएटिव है। तो याद रखिए, G7 का इनिशिएटिव है और इसको पिछले साल शुरुआत करा गया था, तो उसी के तहत ये पैसा है 600 बिलियन इकट्ठा करा जाएगा। द एफर्ट इज नाउ कॉल्ड, अब इस एफर्ट को नाम क्या बुलाया गया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जिसको PGII शॉर्ट में कहा जाता है। इसके बारे में तो मैं शायद जून की मैगजीन में भी पढ़ा चुका हूँ, सॉरी मई के मैगजीन में भी पढ़ा चुका हूँ। अब समझ लेते हैं इस PGII के बारे में, यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसका सिंपल है, इट सीक्स टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज एस्टिमेटेड 1 ट्रिलियन इन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली चाइना जो आपको पता है ना, पैसा दे दे के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है डिफरेंट कंट्रीज में, तो उसी को काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। G7 इनिशिएटिव इज फंडिंग प्रोजेक्ट फॉर 4 मेजर कैटेगरीज। तो याद रखिए, जो G7 का इनिशिएटिव लिया गया है PGII का, ये दोस्तों मेजर 4 प्रोजेक्ट को क्या करेगा, फंड करेगा। कौन कौन से, क्लीन एनर्जी को फंड करेगा डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्री में, हेल्थ सिस्टम को फंड करेगा, जेंडर इक्वलिटी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे पैसा फंड करेगा। At the center of PGII is a different approach to financing infrastructure project using limited government funding to catalyze greater volumes of private capital, private equity funds, insurance funds among others. ठीक है, ये भी method apply करा जा रहा है। This stands in contrast to BRI, यानी Belt Road Initiative, which provides financing largely by state-to-state channels. तो आपको पता है जो BRI है वो ज़्यादातर जो है state-to-state channel के जरिए क्या करता है, financing provide करता है, जो कि अनसस्टेनेबल है, ठीक है। वो एक तरीके से कह सकते हैं अनसस्टेनेबल डेप्ट बना देता है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रावधान करा गया है। अब थोड़ा दोस्तों बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना, एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है चाइना का। इसके जरिए याद रखिए, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट में फैला नहीं हुआ, सभी कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। इसका एम सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। तो ऑब्वियसली ये BRI के जरिए कंट्रीज को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, अलग अलग पोर्ट बना के, अलग अलग पोर्ट डेवलप करके, ठीक है। आपको पता है चाइना का एक हिस्टोरिक सिल्क रोड रोड होता था, जिसके तहत ये लोग जो है व्यापार करते थे पास्ट में। इट वॉज अनवेल्ड इन 2013 बाई चाइना एंड अंटिल 2016 वॉज नोन एज OBOR, यानी वन रोड वर्ल्ड बेल्ट प्रोग्राम। तो 2016 तक इसको वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू द बेल्ट एंड रोड पोर्टल, करंटली 71 कंट्रीज आर टेकिंग पार्ट। तो अभी आपको पता है इनका एक पोर्टल भी बना हुआ है, इसके तहत हमें पता चलता है टोटल बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में 71 कंट्रीज ने पार्ट ले रखा है, टुगेदर रिप्रेजेंटिंग मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड GDP। तो सोचिए, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड की GDP रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये 71 देश। BRI कंबाइन करता है दो इनिशिएटिव को। कौन कौन से दो इनिशिएटिव है, अभी हम समझेंगे, यहाँ पे टेंशन ना लीजिए ग्राफ में, ठीक है। पहला है द सिल्क रोड इकोनॉमिक वर्ल्ड, इसके तहत दोस्तों लैंड बेस्ड डेवलप करा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क। तो आपको वैसे पता चल गया ना, लैंड और जो मैरीटाइम सिल्क है, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करा जाएगा। वे ऑल्टरनेटिव्स टू BRI आर इमर्जिंग। तो दोस्तों BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर अलग अलग ऑल्टरनेटिव भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने खोले हैं। पहला जो ऑल्टरनेटिव खोला है वो है फ्रेगमेंटेड नेचर। बेल्ट एंड रोड इज अ नॉट यूनिफाइड, आपको पता है ना, बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है वो यूनिफाइड नहीं है, ना ही कोहेरेंट स्ट्रेटेजी है, बट रेदर एज अ फ्रेगमेंटेड कलेक्शन ऑफ बायलेटरल अरेंजमेंट्स मेड बाय डिफरेंट टर्म्स। ऑब्वियसली BRI के तहत आपको पता है
चाइना जो है अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग डील करता है, श्रीलंका से अलग डील करेगा या नैरोबी से अलग डील करेगा, तो अलग अलग से डील करके फिर जोड़ता है ऐसे ऐसे इनडायरेक्ट तरीके से। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल कोई ग्रैंड प्लान नहीं है, ठीक है। ओपेक नेचर कॉजिंग मिसट्रस्ट, ऑब्वियसली जो BRI है उसका बहुत जो नेचर है वो बहुत ज्यादा ओपेक है, जिसकी वजह से कंट्रीज जो है मिसट्रस्ट करती हैं, ठीक है। द ओपेक नेचर ऑफ BRI एंड लोन्स ऑन विच इट इज बिल्ट इज अनदर मेजर कंसर्न। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज नेवर पब्लिश डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड टर्म्स। ऑब्वियसली डिटेल इन्फॉर्मेशन कभी भी चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं पब्लिश करी है साइज और टर्म्स को लेकर कि BRI का क्या साइज है, क्या टर्म्स हैं, ठीक है। दिस वैक्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन फीड्स कन्फ्यूजन एंड मिसट्रस्ट। ऑब्वियसली अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो आपके प्रति कन्फ्यूजन फैलेगी और मिसट्रस्ट फैलेगा। डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, काफ़ी कंट्रीज बोलती हैं कि BRI के जरिए चाइना कुछ नहीं कर रहा है, लोगों को लोन दे देके ना डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी अपना रहा है, मतलब डेप्ट देते रहो, बाद में वो जो कंट्री है आपकी क्या बन जाएगी, गुलाम बन जाएगी, है ना। जब वो कर्जा चुका नहीं पाएगी तो गुलाम बन जाएगी। तो देख लीजिए वही है डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है। इट रिफर्स टू द एक्विजिशन दैट चाइना यूजेस बेल्ट एंड रोड एज पार्ट ऑफ द मैनिपुलेटिव ग्लोबल स्ट्रेटजी फंडिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और दोस्ती देखिए ना, इसके जरिए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना जो है प्रोजेक्ट को फंड करता है डेवलपिंग नेशन में और अनसस्टेनेबल लोन्स देता है, देन यूजिंग द डेप्ट टू गेन लेवरेज, ताकि जो एक बार डेप्ट दे दो और बाद में वो डेवलपिंग कंट्री जो है डेप्ट आपका पे ना कर पाए तो उसको क्या करो, मिसयूज करो, ठीक है, उस कंट्री को। जैसे कि चाहे आप बढ़िया एग्जांपल है श्रीलंका का। द एक्विजिशन वॉज स्पार्क्ड बाय प्रोजेक्ट सच एज हम्बनटोटा। ऑब्वियसली हम्बनटोटा प्रोजेक्ट जो है श्रीलंका में बनाया गया, इसने तो प्रूफ कर दिया कि कैसे चाइना जो है डेप्ट डिप्लोमेसी चला रहा है। द श्रीलंकन गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू सर्विस द चाइनीज लोन्स। ये अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है चाइना को लोन लौटा नहीं पा रही थी, ठीक है। विच फंडेड द प्रोजेक्ट एंड द पोर्ट वॉज हैंडेड टू द चाइनीज ऑन 99 ईयर्स ओल्ड। सो 99 ईयर्स लीज, तो 99 सालों के लिए लीज पे दे दिया गया हम्बनटोटा पोर्ट, क्योंकि श्रीलंका ने जो पैसा है वो वापस नहीं कर पाए थे। पॉलिटिकल बैकलैश देख लीजिए। BRI प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट यूजिंग लो इंटरेस्ट लोन, तो इसमें लो इंटरेस्ट लोन के तहत बिल्ड करे जाते हैं एज अपोजिंग टू एड ग्रांट्स। सम BRI इन्वेस्टमेंट्स हैव इन्वॉल्व ओपेक बिडिंग प्रोसेस, बहुत सारा ओपेक बिडिंग प्रोसेस भी अपनाया है दैट रिक्वायर्ड टू यूज द चाइनीज फर्म्स। एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हैव इन्फ्लेटेड कॉस्ट। तो ऑब्वियसली देखिए BRI के जरिए जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं ना वहाँ पे चाइनीज फर्म के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्हीं को इन्वॉल्व करा जाता है और वो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, लीडिंग टू कैंसल प्रोजेक्ट एंड पॉलिटिकल बैकलैश। इन 2018 मलेशिया देर वॉज अ कैंपेन अगेंस्ट ओवर प्राइज्ड BRI इनिशिएटिव। तो ये मलेशिया में भी एक तरीके से प्रोटेस्ट चला था जो 2018 में, क्यों, क्योंकि इन्होंने प्राइस जो थे वो बहुत ज़्यादा ओवर कर दिए थे। इसके अलावा यूज़ ऑफ सॉवरेन लैंड फॉर बिल्डिंग चाइनास मिलिट्री इंस्टॉलेशन। आपको पता है चाइना जो है बहुत सारे अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिल्ड भी कर रहा है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए पाकिस्तान में बहुत सारे चाइना ने क्या कर रखे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी कर रखे हैं, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न जुड़ा हुआ है। स्लो प्रोग्रेस ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन इशू। अब भाई BRI का जो है बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इशूज बहुत सारे आ सकते हैं। देख लीजिए रिपोर्ट के अनुसार 35% जो BRI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज एनकाउंटर्ड मेजर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। इनको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, करप्शन स्कैंडल आ रहा है, लेबर वायलेशन, एनवायरमेंटल हजार्ड्स, पब्लिक प्रोटेस्ट, ये सारे के सारे इशू देखे जा रहे हैं BRI को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एक सेकेंड दोस्तों, इसके अलावा एनवायरमेंटल कॉस्ट। द BRI हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर कॉजिंग सीवर एंड इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड जियोपोडाइजिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा माना जा रहा है कि BRI बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं एनवायरमेंट को भी ध्यान में नहीं रखते, एनवायरमेंट को खात्मा पहुंचा रहे हैं। अब इंडिया के कंसर्न क्या क्या जुड़े हुए हैं BRI को लेकर, ये देख लीजिए। पहला कंसर्न भारत का जुड़ा है वो है जियोपॉलिटिकल कंसर्न। इंडिया आपको पता है पर्टिकुलरली कंसर्नड है BRI इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि दोस्तों और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर, क्यों, कहां पर कंसर्न है भारत, भारत कंसर्न है स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज में, इंडियन ओशन लिटरल स्टेट। जैसे कि आपको पता है श्रीलंका को लेकर बहुत ज़्यादा भारत कंसर्न में रहता है, क्योंकि श्रीलंका में एक बार चाइना ने अपना पोर्ट बना लिया ना तो ये सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, ठीक है भाई। जियोपॉलिटिकल कंसर्न इसका मतलब देखिए ना, जियोपॉलिटिकल पहले कंसर्न समझते हैं। देखिए ना, अगर चाइना जो है नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इन पे BRI प्रोजेक्ट के जरिए अपने कुछ भी बिल्ड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो धीरे धीरे ये साउथ एशियन की कंट्री क्या है, किसके इन्फ्लुएंस में आएंगी, चाइना के इन्फ्लुएंस में आएंगी। और भाई जब चाइना के इन्फ्लुएंस में आएंगी तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है इन कंट्रीज से कम होगा और रिलेशन क्या होंगे, हमारे खराब होंगे।
तो ऑब्वियसली एक ये बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल कंसर्न बना रहता है इंडिया के लिए। इंडिया हैज ट्रेडिशनली व्यूड इन दिस रीजन एट इट्स बैकयार्ड। आपको पता है साउथ एशिया में इंडिया को सबसे बड़ा भाई माना जाता है, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली जीडीपी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, हर हिसाब से बड़ा है श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज के मुकाबले। तो ये हम लोगों का अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो बना के रखना है। अगर चाइना आ गया ना तो भाई हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इन देशों में। इट इज अप्रेंशिव दैट द बीआरआई प्रोजेक्ट विल एनहेंस चाइना स्टेट स्टेचर और अंडरमाइन करेंगे इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवर दो स्टेट्स। ऑब्वियसली अगर चाइना अपना पैसा फाड़ फाड़ के यहाँ पे लगा रहा है तो इंडिया का जो स्टेचर है वो तो कम घटेगा ही घटेगा। अगला जो इंडिया का कंसर्न है वो है सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी। वही देखिए, अगर चाइना जो है अपने बहुत सारे पोर्ट डेवलप कर रहा है, अपनी मिलिट्री डेवलप कर रहा है पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह देशों में, तो भाई भारत की सिक्योरिटी को तो खतरा बनेगा ही रहेगा ना। हमारे तो दो ही दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चाइना। और चाइना अगर ये अपने पोर्ट वगैरह बनाता है तो ऑब्वियसली अटैक करने को इसके पास ज़्यादा चांसेस आ जाएंगे। इंडिया इज अपोज टू वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बीआरआई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको पता है चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, आपको पता है पीओके से पास होता है, और इसको लेकर भारत हमेशा अपोज करता रहता है। ये देखिए, जो कि कनेक्ट करता है चाइना का जिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस से। द प्रोजेक्ट रन थ्रू द पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर, जिसको पीओके शॉर्ट में कहा जाता है, जो कि वायलेट करता है इंडिया की सॉवरेनिटी। बार बार इंडिया जो है इसको लेकर आवाज उठाता रहता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल बाय चाइना इन पाकिस्तान, मैंने बता चुका हूँ पाकिस्तान में बहुत सारे चाइना के आर्मी मैन डिप्लॉयड हैं। फॉर द सीपैक अनदर कॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, ये भी बहुत बड़ा भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। फर्दर सिंस ग्वादर इज अ डीप वाटर पोर्ट, इट इज आर्गुबली गिव्स पाकिस्तान एंड चाइना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन द आईओआर। आपको पता ना जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का है, इसको भी चाइना ने लीज पे ले रखा है, तो इसकी वजह से भी चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है कि वो इंडियन ओशन में भारत की नेवी वगैरह पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सारे भारत के कंसर्न है। वट आर द अदर ऑल्टरनेटिव टू बी आर आई, तो बी आर आई के लेकर अदर ऑल्टरनेटिव कौन कौन से हैं। यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट, ये यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है। द प्रोजेक्ट एम्स टू मोबिलाइज अप टू 300 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2021-27। तो ये इनका टारगेट है कि 2021 से 27 तक एटलीस्ट हम 300 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है लाएंगे, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट कर सकें और चाइना का काउंटर कर सकें। इट विल सपोर्ट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पेक्टिंग हाईएस्ट सोशल एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड इन लाइन विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। तो ये सारे के सारे ये चीज़ फॉलो करेंगे। इट इज़ अ यूरोपियन स्ट्रेटजी टू बूस्ट स्मार्ट क्लीन सिक्योर लिंक्स इन डिजिटल एनर्जी और ट्रांसपोर्ट। देखिए, इन सभी जगहों पर ये पैसा लगाएंगे डिजिटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट में, एज वेल एज स्ट्रेंथन करेंगे हेल्थ को भी, एजुकेशन को भी और रिसर्च सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। EU's ग्लोबल गेटवे प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव ऑफर फॉर इट्स पार्टनर्स बाय फाइनेंसिंग दैम अंडर फेयर एंड फेवरेबल टर्म्स। तो चाइना की तरह मतलब कुछ भी ओपेक टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होंगे, इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो फेयर होंगी और फेवरेबल होंगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू लिमिट द रिस्क ऑफ डेब्ट डिस्ट्रेस। इसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर चलाया जा रहा है, ये क्या है, अनदर अटेम्प्ट पुट फोर्थ बाय इंडिया। और याद रखिए, ये इंडिया और जापान के द्वारा अटेम्प्ट लिया गया है कि इंडिया और जापान मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर चला रहे हैं। ठीक है, दिस बायलेटरल पार्टनरशिप इंटेंड्स टू फोस्टर क्वालिटी सस्टेनेबल सोशल एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड कनेक्टिविटी इन अफ्रीका। तो इस देखिए, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के जरिए इंडिया और जापान क्या करना चाहते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना चाहते हैं अफ्रीका में, ताकि इंडिया और जापान है इनका इन्फ्लुएंस इंप्रूव हो सके, चाइना जो है वो पहुंच ना पाए अफ्रीका में। ठीक है, इट एम्स टू प्रमोट अ फ्री एंड ओपन वर्ल्ड ऑर्डर वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका। तो ऑब्वियसली ठीक है, यहाँ पे अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा लैपटॉप। हाँ, ये देखिए G7 के बारे में जान लेते हैं। मैंने बताया ना, G7 ने अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा है जिसके तहत वो लोग 600 बिलियन पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं डेवलपिंग कंट्री में फंड करने के लिए। देख लीजिए G7 के बारे में। G7 आपको पता है एक इनफॉर्मल फोरम है, लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशन, और इसमें ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, इट मीट्स एनुअली, और ये एनुअली मिलते हैं, डिस्कस करते हैं इशू सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को इशू डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, इन सभी को डिस्कस करते हैं। मेंबर्स एंड पार्टनर्स देख लेते हैं G7 में। वैसे तो आपको नाम से पता चल रहा है टोटल 7 मेंबर होंगे, कौन कौन है, लेकिन याद कर लीजिए काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो G7 में आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है GF और जूस, ये तरीका है। ठीक है, ये तरीका है, देखिए जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से क्या आएगा जापान, यू से यूनाइटेड स्टेट्स मान लो या यूके मान लो, कुछ भी मान लो, आई से क्या,
आई से क्या आएगा, इटली आएगा दोस्तों, ठीक है, आई से इटली। सी से चाइना मत कंफ्यूज कर लीजिएगा, सी से यहाँ पे कनाडा, और ई से मान लीजिए इंग्लैंड, यहाँ पे यू से मान लीजिए यूएसए और ई से मान लीजिए इंग्लैंड, ठीक है। इन एडिशन टू द कोर नेशन देर आर अदर इन्वाइटीज ऑल्सो। देखिए G7 में टोटल 7 मेंबर है, लेकिन जब भी ये लोग मीटिंग करते हैं ना तो कुछ दूसरी कंट्रीज को भी बुला लेते हैं अपनी मीटिंग में, जैसे कि इंडिया को ये लोग हमेशा बुलाते रहते हैं, इंडिया को बुला लेते हैं, अर्जेंटीना को, इंडोनेशिया को, साउथ अफ्रीका को, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डेमोक्रेसी है। देर आर ऑल्सो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सच एस IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, दैट आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल गवर्नेंस। रशिया ज्वाइन, आपको पता है रशिया ने ज्वाइन कर रखा था G7 को 1998 में, लेकिन और जिसके बाद G7 का नाम बदल के G8 हो गया था, लेकिन आपको पता है 2014 में रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि रशिया ने, आपको पता है, जो यूक्रेन है उसका क्राइमिया जो हिस्सा था उसको हथिया लिया था, जिसकी वजह से G8 वाले मेंबर गुस्सा हो गए थे और इन्होंने सब ने मिलकर रशिया को भगा दिया था अपने ग्रुप से। द यू इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट अटेंड्स द एनुअल समिट। तो याद रखिए जो यूरोपियन यूनियन है ये मेंबर नहीं है G7 का, लेकिन ये भी G7 की मीटिंग अटेंड करता है। अबाउट लाइफ कैंपेन, लाइफ कैंपेन चलाया जा रहा है G7 के जरिए, ये देखते हैं। एज द रिसेंट G समिट इंडिया इज ऑल्सो हाईलाइटेड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ। लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेन। तो इंडिया ने दोस्तों ये इनिशिएटिव चलाया है विद गोल टू एनकरेज एन इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो याद रखिए G7 समिट में इंडिया ने भी हाईलाइट करा इसको, ताकि क्या करा जा सके, एनकरेज करा जा सके इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को। तो इसको लेकर लाइफ इनिशिएटिव है एक तरीके से हाईलाइट करा है। द आइडिया ऑफ लाइफ वॉज इंट्रोड्यूस बाई PM ड्यूरिंग द 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो COP 26 की जब मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, तो उस टाइम पे ये लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है हमारे प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस करा था। मिशन सिक्स टू क्रिएट एन इको सिस्टम दैट विल री इन्फोर्स द एंड इनेबल एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर टू बी सेल्फ सस्टेनेबल। इट्स विजन इज टू लिव लाइफ स्टाइल दैट इज इन ट्यून विद आवर प्लैनेट एंड डज नॉट हार्म इट। ऑब्वियसली इसके तहत लाइफ के जरिए क्या करना चाहते हैं कि भाई हम लोग ऐसा लाइफ स्टाइल प्रमोट करना चाहते हैं जो कि हमारे प्लैनेट को हार्म ना करे बल्कि उसको सस्टेन बनाए रखे, ठीक है। देख लीजिए, पीपल लिविंग सच लाइफ स्टाइल आर कॉल्ड प्रो प्लैनेट पीपल। तो दोस्तों ऐसे लोग जो ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जिसके तहत हमारी पृथ्वी को कुछ हार्म नहीं हो रहा बल्कि वो सस्टेन हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ऐसे लोग जो हैं प्रो प्लैनेट पीपल हैं, जिसको P3 कहा जाता है। रिसेंटली एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एजेंडा 2022 PM मोदी इंट्रोड्यूस द P3 मूवमेंट दैट अंडरलाइंस इंडियाज क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक और थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको समझ लेते हैं, फिर आज का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं। इंडियाज रिस्पॉन्स, देख लीजिए, मौसम प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन बायलेटरल टाइज विद कंट्रीज इन द इंडियन ओशन। तो भारत ने BRI को टारगेट करने के लिए, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टारगेट करने के लिए भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। भारत ने मौसम प्रोजेक्ट चलाया। मौसम प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, इसके जरिए हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं बायलेटरल टाइज को विद कंट्रीज इन द इंडियन ओशन, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार जो है सागर भी चला रहा है। सागर क्या है, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, देखिए इस कॉन्सेप्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, पहला हम लोग दोस्तों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं मैरीटाइम इंटरेस्ट को, दूसरा हम एनहेंस करना चाहते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इन द लिटरल, ठीक है। इसके अलावा प्रमोट करना चाहते हैं कलेक्टिव एक्शंस को टू डील विद द मैरीटाइम थ्रेट्स। इसके अलावा इस सागर के तहत ही हम बिल्ड करना चाहते हैं ग्रेटर ट्रस्ट एंड प्रमोट करना चाहते हैं रिस्पेक्ट फॉर द मैरीटाइम रूल्स नॉर्म्स पीसफुल एंड रेजोल्यूशन एंड डिस्प्यूट। इसके अलावा इंक्रीज करना चाहते हैं एड इन्वेस्टमेंट और अदर इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द नेबर्स लाइक नेपाल श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ऑब्वियसली चाइना को काउंटर करना ही सागर का बहुत बड़ा एम है। अगला टॉपिक है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में नाटो कहते हैं। इस टॉपिक को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं।